मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है, उनके परिजन सीबीआई की जांच चाहते हैं। इसलिए कल रात में ही हमने डीजीपी से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की है, और सिवान में पत्रकार हत्याकांड के मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्णय हम लोग ले रहे हैं, और आज ही इस बारे में निर्णय लेकर हम लोग केंद्र सरकार को संसूचित करेंगे। ये मामला हम लोग सीबीआई को दे रहे हैं। अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका अर्थ क्या, हमको बताइए जरा सर, क्या लॉजिक है इसके पीछे? इसका मतलब है कि हम जब चाहेंगे तो कोई पकड़ाएगा, और जब नहीं चाहेंगे तो नहीं पकड़ाएगा। अगर ऐसी बात है तो आई शुड बी पुट बिहाइंड बार्स। कोई आज बिहार की बात नहीं, हम पूरे देश के बारे में लॉजिक पूछ रहे हैं आप लोगों से। कितने दिन से भागे हुए हैं 9,000 करोड़ रुपया लेकर के? आर यू ब्लेमिंग सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दैट? इन विजय माल्या केस आर यू ब्लेमिंग सेंट्रल गवर्नमेंट? आर यू ब्लेमिंग फाइनेंस मिनिस्टर? आर यू ब्लेमिंग होम मिनिस्टर? आर यू ब्लेमिंग फॉरेन मिनिस्टर? आर यू ब्लेमिंग प्राइम मिनिस्टर? कानून व्यवस्था के मामले में, कानून के राज के मामले में मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कुछ भी जो कोई प्रतिक्रिया देगा, कोई मेरे ऊपर टिप्पणी करेगा, मेरे सरकार के ऊपर टिप्पणी करेगा, जो कुछ भी करेगा वह करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन हम बगैर इन चीजों से प्रभावित हुए गंभीरता पूर्वक और निष्पक्षता पूर्वक और बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी दबाव के, हम इस जिम्मेवारी को लिए हुए।